हाँ जी, कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, बेसिक वो टेक्निक क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि चंद एक हमारे पास परसेंटेज जैसे निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, फार्मूलाज के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी। अब उससे हम आगे की तरफ चलेंगे, वहीं से जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था, उससे आगे भी नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आप देख लेते हैं। कोई आपका की कोई प्रॉब्लम हो, कल वाला आप लोगों ने लेक्चर क्या कहते हैं के बाद पढ़ा हो, तो कोई क्वेश्चन कर ले मुझसे बेशक। अच्छा देखें बेटा, ये आपको स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, इसके अंदर हम चंद एक बातें पढ़ेंगे। देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो आज कुछ मेटल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लिखता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हैज वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन द सेपरेशन ऑफ मेटल। देखें, आप लोगों ने मेटलर्जी भी पढ़ी है लास्ट ईयर्स में, तो मेटलर्जी भी यही होती थी कि हमारे पास एक मिनरल होता था, या फिर हम कहते हैं उसको ओर, उस ओर से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे। तो अब जो मेटल्स हैं हमारे, देखिए मेटल जो होती है, जब भी वो अपनी आयनाइज फॉर्म में होती है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल कैटाइन। तो जब भी आप क्या करेंगे, मेटल के बारे में बेटा पढ़ रहे होंगे, तो हम मेटल को उसके कैटाइन की शक्ल में अलग करेंगे। तो बहरहाल, इन दिस टेक्निक द मेटल आयन थ्रू अप्रोप्रिएट, यानी खास मुनासिब अप्रोप्रिएट केमिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम एन एक्वस फेज इन टू द वॉटर इमिसिबल ऑर्गेनिक फेज। कल हमने इन चीजों के बारे में सीख लिया था। क्या बात सीखी थी हमने, कहा था दो किस्म के फेजेस होंगे। एक फेज कौन सा होगा, एक फेज होगा जी ऑर्गेनिक, और एक फेज क्या होगा इनऑर्गेनिक। बेसिकली जो हमारे पास सेंस होगा वो कुछ ऐसे होगा कि आपका जो एनालाइट है या सैंपल है वो एक्वस सॉल्यूशन में पहले मौजूद है। कल भी हमने एग्जांपल कुछ ऐसे ही ली थी। तो एग्जांपल में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजोइक एसिड है जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन चूंकि बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए वो वाटर में ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता, आयनाइज फॉर्म में नहीं जाता, पॉजिटिव आयन्स नहीं बनाता। देखें, मैंने पॉजिटिव आयन का जिक्र किया, इसी तरह आज भी हम मेटल के पॉजिटिव आयन का जिक्र करें। और फिर हमने उस सॉल्यूशन में, यानी वाटर और बेंजोइक एसिड के सॉल्यूशन में, हमने क्या किया था, हमने एक ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला था। उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के डालने पर जो बेंजोइक एसिड की मिकदार थी, चूंकि बेंजोइक एसिड एक भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, वो वाटर से निकलकर, सारा नहीं लेकिन एक खास अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर निकलकर ऑर्गेनिक फेज में चला गया था। इस तरह हमने इनऑर्गेनिक फेज से बेंजोइक एसिड की एक खास रेशो में, या जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस रेशो के एतबार से ऑर्गेनिक फेज में अलहदगी कर ली थी। और ऑर्गेनिक फेज जो था वो फिर हमने, या सॉल्वेंट हमने उड़ा दिया था और पीछे रह गया था बेंजोइक एसिड। ये अमल हमने बार बार दोहराया। इस तरह इनऑर्गेनिक यानी एक्वस सॉल्वेंट से या फेज से हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या बेटा, जो सॉल्यूट था वो बाहर आता रहा। तो ये था एक सिंपल सा कल का मैकेनिज्म। आज भी कुल ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि बेंजोइक एसिड की जगह पर हम यहाँ पर एक मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखें नेक्स्ट पे क्या लिखता है बेटा। हाँ जी, तो यहां पे लिखा हुआ है कि इन दिस टेक्निक द मेटल आयन थ्रू एप्रोप्रिएट केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम एन एक्वस फेज से निकलकर, इन जो कि पानी है, इन टू अ वॉटर इमिसिबल, उसमें जाएगा जो पानी में हल नहीं होता, जैसे ऑर्गेनिक फेज। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन इज यूजफुल फॉर रिमूविंग देम फ्रॉम एन इंटरफेयरिंग मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स आमतौर पर तब इस्तेमाल करते हैं वर्ड को जब काफी चीजें मिक्स्ड हो, ठीक है ना,
और फॉर सेलेक्टिवली विद द राइट केमिस्ट्री, राइट केमिस्ट्री का बिल्कुल सही केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके सेपरेटिंग वन और ग्रुप ऑफ मेटल फ्रॉम अदर। हम एक मेटल को भी उसके बहुत सारे मैट्रिक्स में या कह लीजिए एक मिक्सचर से अलग-अलग कर सकते हैं, या एक मेटल से ज्यादा मेटल्स हों तो भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि हम क्या कर सकते हैं, एक मेटल को भी अलग कर सकते हैं और मल्टीपल मेटल आयंस को भी अलग कर सकते हैं। द टेक्निक इज वाइडली यूज फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हमें काफी सारे सैंपल्स चाहिए होते हैं, वो सैंपल प्योर होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप प्योर कैसे करोगे, सेपरेटिंग टेक्निक के जरिए से। कई सेपरेटिंग टेक्निक है, कल जिक्र हुआ था, लेकिन हम जिस सेपरेटिंग टेक्निक का जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त कौन सी है बेटा, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो लिखता ये है, इट इज ऑल्सो यूज इन फ्लेम एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आपने ये लफ्ज याद करने, ऊपर लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो आप जब हम एडवांस एनालिटिक्स पढ़ेंगे या एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एडवांस में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में मजीद पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्पेक्ट्रोमेट्रीज के बारे में। तो वो स्पेक्ट्रोमेट्री कई तरह की होती हैं। तो बहरहाल आप ये समझ लीजिए, जब ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम रोशनी गुजार कर किसी भी सैंपल में से उसका एक स्पेक्ट्रम लेंगे, ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम जो है ना वो हमें कुछ मालूमात देगा। अब वो जो सैंपल होगा वो डिफरेंट तरह के होंगे, तो वही लिखता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। फिर आगे लिखता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो यहां पर एक वर्ड आया है तो मैंने इसको यहां पर भी बल्कि यहां से पढ़े, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं बेटा, ये जो मैंने पहला नाम अंडरलाइन किया है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या मेट्रिक मेथड, ये असल में आपके पास एक जनरल मेथड है, ठीक है, इसमें काफी सारी टाइप्स हो सकती हैं। तो जो उसके अंदर आपके पास टाइप दी जा रही है नीचे जो मैंने हाईलाइट किया है बेटा, वो यही है, यानी फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होगा यानी हमें स्पेक्ट्रम निकाल कर देने वाला, रिजल्ट्स देने वाला आला, वो काम करेगा फ्लेम पर। यानी आपको एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जो मेटल्स के कैटाइन्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। ये भी हमारे केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स थे लास्ट ईयर FSC में, मतलब पिछली क्लास के अंदर ही, तो वहां पर इसके बारे में जिक्र था कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट फ्लेम पर कलर देती हैं। इस तरह हम मेटल्स को फ्लेम टेस्ट के बिना पर टेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो कौन सी हैं। इसी तरह से ये स्पेक्ट्रोमेट्री है, यानी हम इसमें स्पेक्ट्रम मालूम कर रहे हैं, ये भी फ्लेम के एतबार से होगा, यानी फ्लेम के समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स के एतबार से होगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, बेटा दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं और आमतौर पर एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट के एटम के बारे में मालूमात, और एब्जॉर्प्शन में भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है बेटा इमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा अलग अलग बहस कर चुका हूँ कि फ्लेम का क्या मतलब है, एटॉमिक का क्या मतलब है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होते हैं और इमिशन स्पेक्ट्रम भी होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, मतलब जो रेडिएशन किसी भी मेटल से गुजर कर आएंगी, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कौन सी हमने उस पर डाली थी, कितनी अब्जॉर्ब हो गई है, वो कौन सी अब्जॉर्ब हुई है, उसके बिना पर फैसला होता है। ये भी हमारे FSC में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, चैप्टर का जो चैप्टर 5 है बेटा उसमें आप जाके देख सकते हैं। फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जी, बहरहाल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल इन ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसमें जो आप अपना सैंपल लोगे वो ऑर्गेनिक फेज के जरिए से लोगे, इन टू अ फ्लेम, एक फ्लेम में डालोगे, फ्लेम में आपने डालना नहीं होता, जो मशीन होती है ये खुद ही बहुत अच्छे तरीके से सैंपल को ले लेती है, आप जो सैंपल की एक छोटी सी इसमें लीजिए मकदार उसको देते हैं और वो सैंपल खुद ब खुद अंदर चला जाता है मशीन के, और मशीन फ्लेम को जलाकर उसका टेस्ट कर उसके बारे में रिजल्ट आपको मुहैया कर देती है, ठीक है। तो आगे लिखता है फ्लेम फॉर एनहांस सेंसिटिविटी एंड रिमूवल ऑफ द मैट्रिक्स इफेक्ट। मैट्रिक्स इफेक्ट में वही मैंने कहा कि काफी सारी चीजें होती हैं, समटाइम हम रिजल्ट्स ऐसे हासिल कर रहे होते हैं किसी मैट्रिक्स की वजह से जो इनअप्रोप्रिएट होते हैं, यानी उनके जो रिजल्ट होते हैं वो एक दूसरे के अंदर जम हो रहे होते हैं, हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम
जिस चीज के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रही होती है, तो फिर वो बहरहाल यही बात कहता है कि इस तरह के जो इफेक्ट हैं जो कि हमारे रिजल्ट को इनअप्रोप्रिएट बनाते हैं, वो चीज भी दूर रहती है अगर आप फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये बहरहाल काफी लंबी चौड़ी बहस है इसके ऊपर, लेकिन अब तक हमने ये सीखा है इस पैराग्राफ से कि आपके पास एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है जिसमें आप मेटल्स को भी अलग-अलग कर सकते हैं, एक मेटल को भी कर सकते हैं, कई मेटल को भी कर सकते हैं। भाई ये कब ऐसा करते हैं या कब हम सॉलिड के बारे में बहस करते हैं, तो वो कहता है कि तब करते हैं जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स लगानी होती है, और इसमें एटॉमिक फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए अच्छे अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो ये आपके पास इस पैराग्राफ की समरी है। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, ये अगली बात की तरफ। वो क्या कहता है, द सेपरेशन कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन सेवरल वेज, कई तरीके से की जा सकती है। यू हैव नोटेड अबव दैट अनचार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक लेयर। अगर आपके पास एक ऐसा सैंपल है जो ऑर्गेनिक है और आप उसको ऑर्गेनिक फेज में डालते हैं तो वो वहां जाकर डिसॉल्व हो जाता है, ये वाली बात कह रहा है भाई। ऐसी बात है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो इस तरह की एक चीजें दूसरी चीजें में सेम चीजें एक दूसरे को अपरिंदर हल कर लेती है। वाइल एन एग्जाम्पल, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। देखिए मैंने जैसे बोला है उसी तरह से बुक ने भी लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सादा सी पुरानी वाली बात है जो आप लोगों को ऑलरेडी आनी चाहिए। फिर लिखते हैं मेटल आयंस डू नॉट टेंड टू डिजॉल्व एप्रिशिएबली इन द ऑर्गेनिक लेयर। लेकिन जो मेटल आयंस होते हैं उसके बारे में अगर बहस की जाए तो मेटल आयन डू नॉट टेंड टू डिजॉल्व एप्रिशिएबली इन एन ऑर्गेनिक लेयर, वो ऑर्गेनिक लेयर में इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होते। फॉर देम टू बिकम सॉल्युबल, अब देखें वो क्या कर रहे हैं, हमने जो फोटोमेट्री करनी है वो ऑर्गेनिक लिक्विड या ऑर्गेनिक फेज में करनी है। अब हम मेटल को सेपरेट करना चाह रहे हैं। चलें ये ना रिकॉर्डेड में है वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं समरी करूंगा तो वहां समझ आ जाएगी आपको। हाँ बेटा वो मुझे नजर थोड़ा बता रहा है कि ना आज ये मौसम की वजह से ना अनस्टेबल है ये कनेक्शन जो है, लेकिन ये कि आप इसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, मैं समरी साथ करता जा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं फिलहाल कर जाता हूँ आपको दोबारा से। तो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने यहाँ पर ये वाली बात सीखी हुई है कि मेटल आयंस डू नॉट, देखें इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमने फ्लेम फोटोमेट्री करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हल नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं लेकिन हमारी मेटल उसके अंदर हल नहीं हो रही होती। अब मेटल को कैसे हल करें, यही बात लिखता है, मेटल डू नॉट टेंड टू डिसॉल्व एप्रिशिएबली इन द ऑर्गेनिक लेयर, फॉर देम टू बिकम सॉल्युबल देयर चार्ज मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड and something must be added to make them organic like. Metals are not organic like. जैसे like dissolve like, जैसे मैंने highlight यहाँ पर किया हुआ है, metals organic phase में dissolve नहीं होती हैं। फिर क्या होगा, फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि organic phase में metals को हल करने के लिए metals को कुछ organic like बनाना पड़ेगा ताकि वो organic में हल हो जाए। तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा, देर आर टू प्रिंसिपल वेज ऑफ डूइंग दिस, यानी आपके पास चंद एक तरीका कार है यहाँ पर जो हम आगे जाकर भी स्टडी करेंगे। तो अब तक आपने सिर्फ ये सीखा है यानी इस पैराग्राफ में कि लाइक डिजॉल्व लाइक, और जो हम टेक्निक्स लगाने वाले हैं एटॉमिक फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वो क्या कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट करती है ऑर्गेनिक फेज को, हमारी मेटल ऑर्गेनिक फेज में हल नहीं होती है, फिर क्या करेंगे, उसे हल करने वाला बनाएंगे, ये इस पैराग्राफ का मतलब है। अब वो कहता है ये करने के लिए दो तरीके कार हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम आगे जाके स्टडी करते हैं। हाँ जी देखेंगे, कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस,
इन वन मेथड, पहला मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस. इन वन मेथड द मेटल आयन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बल्की मॉलिक्यूल एंड देन एसोसिएट विद अनदर आयन ऑफ द ऑपोजिट चार्ज टू फॉर्म एन आयन पेयर. वही देखो, आपके पास एक होना चाहिए कैटाइन, एक आपके पास होना चाहिए एनायन. मेटल पर कैटाइन होता है या मेटल एक कैटाइन होता है, ये बात आपको पहले बता दी गई है. अगर ये दो आयन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिल जाएं तो ये एक पेयर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं आयन पेयर. वो कहते हैं अब आपने एक काम करना है कि बल्कि का होता है बड़ा ग्रुप, ठीक है. बड़ा ग्रुप आमतौर पर ऑर्गेनिक फेस को शो करता है या ऑर्गेनिक किस्म को शो करता है, ऑर्गेनिक लाइक को शो करता है. तो लिखता है द मेटल आयन इज इनकॉर्पोरेट, मेटल आयन को डाला जाएगा. भाई किसमें डाला जाएगा? इनटू अ बल्की मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल में. फिर लिखता है देन एसोसिएट, और फिर से जोड़ दिया जाएगा विद अनदर आयन ऑफ ऑपोजिट चार्ज. यानी मेटल पर अगर कैट आयन है या पूरे जो आपने बल्की ग्रुप पे जोड़ने के बाद देखना है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसको एक नेगेटिव से जोड़ दिया जाएगा. इस तरह से आपके पास आयन पेयर बनेगा. ये सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है. ये हमने कोई पकड़ पकड़ के इसको नहीं मिलाना. क्या होगा, ये हम खुद ब खुद जब केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं और डिफरेंट रिएजेंट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके दरमियान ये रिएक्शन होते रहते हैं और पेयरिंग हो जाती है. फिर आगे लिखता है और या फिर मेटल द मेटल आयन एसोसिएट्स विद अनदर आयन ऑफ द ग्रेट साइज ऑर्गेनिक लाइक. यानी आपने मेटल को एक ऑर्गेनिक लाइक यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि अपने साइज में बड़ा हो, बल्कि हो, तो उसके साथ डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं. तो अब आपके पास दो मेथड आ गए, यानी इस मेथड को करने का दो प्रोसीजर उसने दिए हैं. एक प्रोसीजर ये दिया है कि आप मेटल को ले लें, फिर उसके साथ एक बल्की ग्रुप ऐड करें. देखिए क्या बात है, पहले आप मेटल को ले लें. मेटल एक छोटा आयन होता है बेटा, ये याद रखें. उसको एक बड़े बल्की ग्रुप के साथ अटैच करें, सही है. अब ये मेटल एक और ग्रुप के साथ मिलने पर क्या हो गया है, उस माल जो आपने बल्कीनेस दी है ना उसको, वो ऑर्गेनिक लाइक है. अब मेटल के ऊपर अगर आपने इसे चढ़ा दिया या उसे जोड़ दिया है, अब मेटल के पास भी कुछ ऑर्गेनिक लाइक है, ठीक है. अब अगर इसको ऑर्गेनिक फेज में डालोगे या सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, ये डल सकता है. लेकिन वो कहते हैं इसको अब आपको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, एक और. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेटल पर आयन था पॉजिटिव, जब बल्कि मॉलिक्यूल जोड़ा तो अभी भी इस फुल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव. इसको न्यूट्रलाइज करना, कहते हैं न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, ये ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा है. न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक और इन नेगेटिव आयन इन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा. अब देखें मेटल, बल्कि ग्रुप और न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपोजिट चार्ज. लो भाई ये आपके पास तैयार हो गई एक चीज. अब इसको आप ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दो. अच्छा अगर ये नहीं करते हो, कहते हैं ऐसा पॉसिबल भी है कि आपके पास वही मेटल है, इस मेटल को आप डायरेक्टली जोड़ दो ऑर्गेनिक लाइक बल्कि ऑपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल से. यानी अब चार्ज भी ऑपोजिट आ गया, न्यूट्रलाइजेशन भी हो गई, बल्कि ग्रुप भी आ गया, वो भी ठीक है, और वो ऑर्गेनिक है खुद ही. तो ये आपके पास क्या है, मुकम्मल ऐसा सिस्टम ही बन सकता है. यानी पहले वाले सिस्टम में आपको तीन चीजें जोड़नी थी, इस सिस्टम के अंदर या इस वाले प्रोसीजर के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें जोड़नी है. तो ये आपके पास सिंपल सा मेथड है. अब आगे चलते हैं. तो यहां पर लिखता है बेटा कि जो मैंने अंडरलाइन कर ली थी, मतलब आपने आयन पेयर बना लेना है. ये हमने आयन पेयर के बारे में बहस कर ली है. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. इट इज वेल नोन दैट आयरन थ्री, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड, या फिर आप डायरेक्टली आयरन थ्री समझ लो कि इसमें आयरन की वैलेंसी थ्री होती है, ठीक है बेटा. फेरस भी हो सकता है और फेरिक भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आयरन के ऑक्साइड क्या कहते हैं आयंस हैं. कैन बी क्वांटिटेटिवली एक्सट्रैक्टेड, निकाले जा सकते हैं फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम इनटू डाइथाइल ईथर. अब आपको यहां पर एक बात समझनी है, वो बात क्या है जी, वो बात यहां पर ये है कुछ इस तरह से कि ये आपने मेरे ध्यान में रखना है बेटा आयरन थ्री, ठीक
ठीक है, ये कल जो हमने बात समझी है उसी से ही रिलेट कर रहे हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहे। फिलहाल मैं इस तरह से अंदाजे से बता रहा हूं आपको कि आपने एक लेना है जी बीकर, ठीक है। इस बीकर में आपने डालनी है दो चीजें, भाई वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम जो है ये भी एक्वस होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या गया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो जो आयरन का आपने कंपाउंड बनाया है अभी, यानी न्यूट्रलाइज कर वो डाला हुआ है जी। लेकिन इसमें हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट लाइक करता है वो आयरन के साथ करता है, Fe के साथ करता है। अब ये तो कल वाली बात होगी, लेकिन एग्जांपल चेंज हो गई। कल यहाँ पर वाटर और बेंजोइक एसिड था, आज यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ आयनाइज मीडियम है, या कह लीजिए एक्वस मीडियम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा बेसिकली गैस होती है, उसको पानी में डाल के उसका सोल्यूशन बनता है। आमतौर पर अगर बहुत सारी मिकदार भी हो ना HCl की, तो पानी में आमतौर पर 37% तक होती है, यानी 37% 100 अगर हिस्से हैं पूरे सोल्यूशन के, तो उसमें 37 सिर्फ HCl होगा, बाकी वाटर है। तो ये भी एक तरह का एक्वस मीडियम है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली बात की तरफ कि आपने इसे डालना किस पर है। ये देखें दूसरी चीज है जी, इनटू डाई इथाइल ईथर, यानी आपने जो दूसरा इसमें अंदर फेज डालना है वो क्या होगा, वो होगा जी डाई इथाइल ईथर। ये आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स आ गए हैं, एक का नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कल यहाँ वाटर था, और दूसरा क्या है डाई इथाइल ईथर। कल यहाँ पर बस हमने ईथर की बात की थी, या CCl4 की एग्जाम्पल दी हुई है जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देना है और पहले भी दिया है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो FSC वाली है उसके अंदर से भी आप समझ सकते हैं। ले भाई ये बेसिक सेंस तैयार हो गई हमारी, अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। वो क्या कहता है, अगली बात यह है कि द मैकेनिज्म इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। हमें सही तरह मैकेनिज्म पता नहीं लगता, बट एविडेंस, लेकिन हमने जब भी ऐसा किया है तो एविडेंस इज एग्जिस्ट दैट द क्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ द आयरन इज कोऑर्डिनेटेड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट में डाई इथाइल ईथर का फार्मूला आपको आना चाहिए बेटा। डाई इथाइल ईथर का फार्मूला ये कहता है, ये देखें ये हो गया जी C2H5, ये हो गया जी डाई इथाइल, और अगर इनको हम जोड़ दें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है जी। तो हम वो कहते हैं ऐसा होता है, यहां पे गौर करें कि आयरन इज कोऑर्डिनेटेड विद द ऑक्सीजन एटम। पहले तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लोरो कॉम्प्लेक्स Cl कहां से आएगा भाई, HCl से, और आयरन आपने डाला है, ठीक है, और ये जुड़ गया है किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपके पास क्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ द आयरन विच इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन ऑफ द डाइथाइल ईथर, ये जी एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया, या कह लीजिए पेचीदा शय बन गया। वैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे खास होता है, लेकिन फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स का जिक्र यहाँ पे इस एतबार से कर रहे हैं कि काफी चीजें बन गई है, मैट्रिक्स बन गया आपके पास एक तरह का। फिर नेक्स्ट पे लिखता है द सॉल्वेंट डिस्प्लेसेस द कोऑर्डिनेटेड वाटर। अब जो आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि डाइथाइल ईथर, अब मैंने आपसे क्या कहा है कि HCl पानी के साथ होता है, यानी आप पानी समझ लीजिए उसको, तो पानी से जो अटैचमेंट है या पानी की वजह से जो अटैचमेंट है आयरन की, वो अलहदा की जाएगी, ताकि आयरन की मिकदार पानी वाले सैंपल या कह लीजिए HCl वाले हिस्से से निकल कर डाइथाइल ईथर में बढ़ने लगे, एंड दिस आयन एसोसिएट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज कोऑर्डिनेटेड विद द प्रोटॉन। बहरहाल अगर आपको बात समझ नहीं आती, बस आप ये समझ लें, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ बताने की। लेकिन भी ये जो आपके पास लिखा था ना डाई इथाइल, ये आपके पास C2H5 और ये भी आपके पास C2H5, ये C2H5 अब कहां पर है जी, और साथ O भी है इसके, तो वो कहता है कि ये दोनों चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं, ये लिखा हुआ जी C2H5 ट्वाइस, दो दफा है, और ये किस जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपको यहां पर
नजर आ रही है, ये रही भाई, ठीक है जी, और यहाँ पे भी नजर आ रही है ऑक्सीजन। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आपके पास मैंने अब हाईलाइट कर दिया है, यानी ये सारा का सारा हिस्सा, या मैं इसको ब्लू कलर में कर देता हूं, ये आपके पास है बेटा, ये सारा का सारा कहां पर है, ये रहा जी। इसके बाद वो प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन कहां से आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है HCl से, ठीक है जी, ये प्रोटॉन हो गया, ये भी हमें अलग से याद रहे। और जो हमारे पास Fe है बेटा, वो कैसे है, Fe हमारे पास FeCl4, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं क्लोरो, दोबारा पढ़ रहा हूं ऊपर से, आयरन का क्लोरो कॉम्प्लेक्स, मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, देखें क्लोरो कॉम्प्लेक्स, तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स आपके पास ये रहा जी, किसका, ऑफ द आयरन, आयरन का क्लोरो कॉम्प्लेक्स ये रहा जी। फिर आयरन का क्लोरो कॉम्प्लेक्स किसके साथ मैच कर रहा है, आयरन का ये जो क्लोरो कॉम्प्लेक्स है ये उस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है जो मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है जी, और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, डाइथाइल के साथ, और इस पर चार्ज किया है नेगेटिव। अब आपको थोड़ी सी बात समझ आ जाएगी, और वो कुछ इस तरह से है कि ये है जी नेगेटिव पार्ट, ठीक है, और ये आपके पास है पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, इसलिए ये पूरा का पूरा हिस्सा न्यूट्रलाइज है। जो आपके पास ये डाइथाइल ईथर है, ये एक सॉल्वेंट है, और जो आपके पास HCl है, जिसका H ये रहा और Cl ये रहा, ये आपके पास दूसरा सॉल्वेंट है, दो सॉल्वेंट है आपके पास, और एक आपके पास बेटा क्या है, सॉल्यूट या कह रहे हैं एनालाइट है, दैट इज Fe। ये आपने कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस इसमें नहीं करनी, आपने ऊपर से बुक से ये बात समझानी है जो मैंने आपको पैराग्राफ में बताई है, मैं उसको थोड़ा सा समरी कर देता हूँ। वो कहता है आपको आयन पेयर बनाने होंगे क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजेशन करनी है। इस मेथड में आप एक आयन को लेकर जो कि आयरन आयन है यहाँ पर, उसको बल्की ग्रुप के साथ मिला देना है जो कि ऑर्गेनिक लाइक हो, और न्यूट्रलाइज कर देना है ऑपोजिट आयन के जरिए से। इस तरह न्यूट्रलाइज भी हो गया और आयरन क्या हो गया, ऑर्गेनिक लाइक, यही हमारा मकसद था, ठीक है। तो ये था जी आपके पास, इसके बाद आगे चलते हैं। सिमिलरली द यूरेनाइल आयन, जिसे हम बेटा ये यूरेनियम है O2, इज एक्सट्रैक्टेड, अच्छा ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई आयरन के साथ, अगर आप ज्यादा ना लिखना चाहें तो बेशक ना लिखेगा एग्जाम के अंदर, और एक एग्जाम्पल के साथ ये टाइप कंप्लीट कर दें, सही है। फिलहाल बुक आपको एग्जाम्पल और भी दे रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि UO2 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस नाइट्रेट सॉल्यूशन इनटू आइसोब्यूटानॉल। बेटा आइसोब्यूटानॉल क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, बाय एसोसिएटिंग विद टू नाइट्रेट आयन, और हमारे पास आयन भी है, यहाँ लिखो लिखा हुआ है 2NO3, यानी अब UO2 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2NO3 सेशन करवाना है। बेटा 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा है कि NO3 पर चार्ज माइनस होता है 1, लेकिन जब आप NO3 2 ले लेते हैं तो अब चार्ज कुल कितने हो गए, 2, यानी 2 नेगेटिव हो गए, और UO2 के पास पहले से 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी चाहिए होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर 2 रखे गए हैं, ठीक है जी। ये सिंपल सा आयनाइज करने का तरीका कार था। मैं थोड़ा सा क्विकली पढ़ देता हूँ यहाँ से, इतना हमारे लिए, अब ये अगर आप एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरे की ज्यादा कोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबली बीइंग सॉल्वेटेड बाय द सॉल्वेंट टू मेक इट सॉल्वेंट लाइक, यानी इस तरह से हम सॉल्वेंट लाइक बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ कि हम आगे पीछे तो नहीं हो गए। ठीक है, सही पढ़े। Probably being solvated by the solvent to make it solvent-like, permanganate form an ion pair with the tetraphenyl arsenium ion. ठीक है,
ये बेटा आर्सेनिक से निकला है आर्सोनियम या आर्सोनियम आयन, ठीक है ना। अब ये तीसरी एग्जाम्पल है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने आयन पेयर बनाना है आर्सेनिक के लिए, आर्सेनिक एक हैवी मेटल है याद रखें, और इसको काफी जगहों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है और इसको अलग किया जाता है बकायदा। तो अलग करने के लिए वो तरीका का समझा रहा है आपको कि आर्सेनिक जो है वो पॉजिटिव आयन रखता है, और इसके साथ मैं दोबारा जरा हाईलाइट करके समझाता हूँ आपको, बस ज्यादा एग्जाम्पल मेरा ख्याल नहीं कोड करें तो बेहतर है, लेकिन चलें ये अब आ गई है तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखें ये आपके पास है जी मेटल जो कि कैटाइन है, और ये आपके पास है जी वो ऑर्गेनिक लाइक बल्की ग्रुप, और अब ये पॉजिटिव है बेटा, ये सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर MnO4, ठीक है ना, पर मैग्नेट आयन है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव है इसके अंदर बेटा, ये रहा, इसमें एक नेगेटिव है, ये रहा, ये न्यूट्रलाइजेशन भी हो गई है, और जो मैंने आपको शुरू से बताया था एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो भी हो गई है, जैसे ये मुकम्मल तौर पर अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया। या अगर मैं आपको एक लाइन में ये बात बताना चाहूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगी कि अब ये एक ऐसी चीज बन गई है जो पहले तो ऑर्गेनिक लाइक नहीं थी, अब ये ऑर्गेनिक लाइक है, सही है जी। तो बहरहाल इतना काफी है, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा, मजीद एग्जांपल भी हैं, जितना आप कोट करना चाहें आपका दिल करे आपका लीजिएगा, ठीक है जी। इससे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कीलेट्स द मोस्ट वाइडली used method of extracting metal ion is formation of chelate molecule with an organic chelating agent. फिलहाल chelation, chelating agents और chelates के बारे में इतना तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है ना यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। वो ये है, देखिए बेटा chelates को आमतौर पर हम caged compounds भी बोलते हैं, केज मतलब पिंजरा। एक्चुअली होता यह है कि स्पेशली वो वाली मेटल्स जो कि ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास आयरन है, जिंक है, मैंगनीज है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम को हम छोड़ देते हैं शुरू में और आखिर में जिंक को भी, बाकी जो दरमियाने एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं या कीलेट्स बनाते हैं, नए किस्म के कंपाउंड बनाते हैं जिसमें स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह। तो बात यहाँ पर यह है, इसमें होता यह है कि दरमियान में आपके पास ट्रांजिशन मेटल होती है और यहाँ पर उसको घेरने वाले चंद एक लिगेंड्स होते हैं या आप कह लीजिए खास किस्म के ग्रुप्स होते हैं जो उस दरमियान यानी सेंट्रल मेटल एटम को घेर लेते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो करने से एक नया किस्म का कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा कीलेट, ठीक है जी। तो अगर पहले पर हम क्या कर रहे थे, मेटल को एक बल्की ग्रुप से जोड़ रहे थे और न्यूट्रलाइज कर रहे थे, तो ये भी बल्की बड़ा हो गया। इसी तरह वो कहते हैं बजाय इसको उसके जरिए से अटैचमेंट की जाए, आप सेंट्रल एलिमेंट को या मेटल को घेर दो तो भी आप क्या कर सकते हो, मेटल को ऑर्गेनिक लाइक बना सकते हैं, ठीक है, ये एक अहम बात है। तो हम इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल आयन इज फॉर्मेशन ऑफ अ कीलेट मॉलिक्यूल विद एन ऑर्गेनिक कीलेटिंग एजेंट। मतलब आपने जिसे घेरना है, मेटल को घेराव करना है जिस ग्रुप के जरिए से, वो ग्रुप ऑर्गेनिक होने चाहिए। एज मेंशन इन चैप्टर 9, चैप्टर 9 में अगर आप चाहें थोड़ा रेफरेंस के लिए कीलेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने फिलहाल थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कीलेशन भी कुछ कीलेट्स भी कुछ कंपाउंड होते हैं, कीलेशन के जरिए से भी आप मेटल को ऑर्गेनिक लाइक बना सकते हो। मेनी ऑफ दीज रिएजेंट्स फॉर्म कलर्ड कीलेट्स, ठीक है जी, यानी आपके पास जो कंपाउंड बनते हैं अगर वो कलर्ड होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कंपाउंड तैयार हो गया है विद मेटल आयन, ठीक है जी, ये आपके पास अहम बात हो गई। नेक्स्ट लिखता है एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड फॉर डिटरमिनिंग द मेटल्स। इस तरह करने से आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड जो हमारा हदफ है जिसके जरिए से हमने मेटल को समझना है, उसका स्पेक्ट्रम हासिल करना है, या आप कह लीजिए कि हमारी
देखिए जैसे सपोज कीजिए आपने खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए कई चीजें पहले से प्रीपेड होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपने मसाले डालने, तो आप सब मसालों को डायरेक्टली सालन में नहीं डाल सकते, कुछ को आप ग्राइंड करके रखते हैं, ठीक है। यानी सपोज कीजिए मैं आसान एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अगर मिर्चें इस्तेमाल करनी है रेड पेपर, तो आपने उस मिर्चों को डायरेक्टली तो नहीं डालना होता हर जगह हर सालन में, तो उसको पहले पीसते हैं फिर सालन बनाते हैं। तो समझिए जो सालन बनाना है हमारा यहाँ पर वह स्पेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करना, लेकिन जो मसाला पीसना है वो हमारे पास इस वक्त सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर कर फिर हम आगे जाएंगे ताकि किसी को क्लियर कर लें, साफ कर लें, प्योर हालत में ले आए। द कीलेट्स आर ऑफन आई इनसॉल्युबल इन द वॉटर एंड विल अप्रोप्रिएट। यानी अब जो कीलेट्स आप बना लोगे ये कीलेट्स सॉल्युबल होंगे। जैसे लिखा हुआ है द कीलेट्स आर ऑफन इनसॉल्युबल इन द वॉटर, पानी में जो इनसॉल्युबल होंगे एंड विल अप्रोप्रिएट सॉरी एंड विल प्रेसिपिटेट, पानी में नहीं मतलब हल होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक महल होने वाले, पानी में हल नहीं होंगे। इससे क्या होगा, अगर आपने एक मेटल को पानी में देखा है, क्योंकि मेटल का आयन था, आयन पानी में हल हो जाते हैं, हल हुआ हुआ था, अगर आपने उस मेटल का कीलेट बना दिया तो क्या होगा, कीलेट पानी में इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, पानी में नहीं रहेगा। फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो वहां जाएगा जहाँ उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो देखो भाई दे आर हाउएवर यूजुअली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे भाई, एक डिफरेंट यूज करोगे। जैसे हमने पहले हमने डाइथर ईथर का जिक्र किया है, तो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं मेथिलीन क्लोराइड का। मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स लिस्टेड इन द चैप्टर 10 आर यूज एज एक्सट्रैक्टिंग एजेंट। तो आप जब भी पानी के अंदर मौजूद किसी मेटल को अलग करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो पानी में आपकी मेटल को कीलेट बना देगी या इनसॉल्युबल बनाकर प्रेसिपिटेट कर देगी। और इस तरह से आप पानी, क्योंकि हमारा हदफ यह है कि पानी के अंदर से हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करनी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के दौरान, तो वो एक्सट्रैक्शन करके हमने कर ली जब हमने पानी से किसी चीज को अलहदा कर लिया। तो ये था सिंपल सा बेटा मेथड। फिर द टाइम इज रनिंग आउट, तो चंद एक चीजें हम यहाँ पर और भी जिक्र कर देते हैं